हेलो नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार को प्रवेश में। आज के वीडियो में हम एक नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के थ्रू जो भर्ती आई है। बीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर, एई सिविल और मैकेनिकल, इन दोनों में भर्ती आई हुई है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म जो है कब से भरना चालू होंगे, तो फॉर्म जो है वो 15/6/2024 से आपकी भरना चालू हो जाएंगे। वहीं लास्ट डेट जो है वो आपकी रहने वाली 30/6/2024। दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो समय इन लोगों ने 15 दिन का ही दिया है। समय से पहले आप फॉर्म को भर दें, जिससे कि आपको लास्ट डेट होते होते आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितनी फीस पे करनी होगी। तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट, इनके लिए जो 750 रुपये जो है फीस लगने वाली है। वहीं एससी, एसटी, पीएचई कैंडिडेट, उनके लिए जो 200 रुपये फीस लगने वाली है। वहीं फीमेल कैंडिडेट, ऑल फीमेल से मतलब है कि जिनके पास में बिहार का स्थायी निवासी यानी डोमेसाइल बिहार का है, उनकी जो है फीस 200 रुपये लगने वाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम एज की। आयु सीमा जो है वो आपकी 1/8/2024 तक काउंट की जाने वाली है। मिनिमम आयु जो है आपकी वो 21 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम एज 37 वर्ष फॉर मेल, मेल के लिए जो अधिकतम आयु 37 वर्ष है। वही मैक्सिमम एज फॉर फीमेल, इनके लिए जो है 40 वर्ष जो है फीमेल के लिए अधिकतम आयु रहने वाली। ठीक है, चलिए। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो यहाँ पे 118 पदों पर भर्ती निकली है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसकी 113 पोस्ट है। इसमें बीई बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, तो आपके पास में बीई या बीटेक डिग्री जो है इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तो आप इस वाली पोस्ट यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, वही बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। बी बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी के संबंध में जानकारी हो गई है। अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे है ए यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसमें जनरल की जो है वो 26 वैकेंसी है, 26 वैकेंसी है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसी है, ईबीसी के लिए 30 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास हुई, ओबीसी के लिए जो है वो 21 वैकेंसी है। यहाँ पे फीमेल के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। एससी के लिए जो है वो 21 वैकेंसी है, एसटी के लिए 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है हमारी 113 हो गई है। अब बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें जनरल की जो है वो एक पोस्ट रहने वाली है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक पोस्ट रहने वाली है, ईबीसी के लिए 2 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 1 है, बीसी महिला महिला के लिए कोई भी नहीं है, एससी और एसटी के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है हमारी यहाँ पर 5 रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो है आपका ये पहला वाला अनिवार्य है और ये सेकंड वाला जो है वो ऐच्छिक रहने वाला है। तो पहले में क्या सिलेबस है, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान। तो ये आपके 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे समय रहने वाला है। कुल नंबर जो है वो 100 रहने वाले हैं। क्वालिफाइंग जो है अभी अपन देखते हैं कि जो है टोटल नंबर जो है आपके 100 नंबर का जो है वो पेपर होने वाला है। ठीक है, वही सेकंड जो है ये ऐच्छिक है, सिविल अभियंता वस्तुनिष्ठ, इसके लिए भी ये यहाँ पे ये और करके दिया है कि इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो 3+4+5+6 एंड टोटल जो है यहाँ पे कुल मिलाकर 400 नंबर जो है आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है बहुत ही अच्छी जॉब है, 5400 ग्रेड पे की जॉब है, जो कि काफी अच्छी सैलरी मिलने वाली है आपको इस वैकेंसी में। तो अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल साइट का लिंक दे देंगे, जहां से आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।